मूवी की शुरुआत होती है और हम समुद्र के किनारे का सीन देखते हैं, जहां पर एक बाप और बेटा फिशिंग कर रहे होते हैं और तभी उस छोटे लड़के के फिशिंग रॉड में कुछ फंसता है और उसका बाप और वो लड़का उसे जोर से ऊपर खींचते हैं और देखते हैं ये तो किसी जानवर का कटा हुआ सर है। और फिर तभी समुद्र में कुछ हलचल होने लगती है, वो दोनों डर जाते हैं और फिर समुद्र में से एक बहुत बड़ी शार्क निकलती है और फिर वो शार्क जमीन पर गिर जाती है और रेंगती हुई कहीं चली जाती है। और फिर हम 3 दिन पहले का समय देखते हैं और समुन्द्र के अंदर हम एक बहुत बड़ी लैब को देखते हैं और वहां पर हम कियान को देखते हैं जो इस फार्मा लैब का बॉस होता है और वो वहां पर आए हुए इन्वेस्टर को बताता है कि दुनिया के 7 लोगों में से एक इंसान को कैंसर होने का खतरा होता है और वो लोग शार्क के अंदर एंटी मटेरियल जीन को ऐड करके शार्क में लगातार उस जेनेटिक को बनाते रहेंगे। और फिर कियान अपने इन्वेस्टर को एक नमूना दिखाने वाला होता है और फिर हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम शंघाई होता है और वो शार्क हीटिंग में एक्सपर्ट होता है और कियान के पास एक डिवाइस होती है जिसकी मदद से वो लोग शार्क को कंट्रोल करते हैं। और फिर कियान शंघाई से शार्क को बुलाने के लिए कहता है और वहीं पर शंघाई का दोस्त पेंगवू भी होता है उसके साथ। और फिर शंघाई पार्क की एबिलिटी के बारे में बताता है और कहता है कि जो शार्क है वो बहुत ही खतरनाक होती है। और फिर वो मछली को हाथ में पकड़ के शार्क को बुलाता है और फिर वहीं पे वो बहुत बड़ी शार्क आ जाती है और उस मछली को खा के चली जाती है। और फिर इसी के साथ वहां के लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और फिर कियान जो है वो अपने 3rd फेज को शुरू करने वाला होता है। और ये बात सुनकर माइली वहां पर आती है और कियान से कहती है कि हमारे रिजल्ट जो है वो अभी तक नहीं आए हैं और वो कैसे बिना रिजल्ट के 3rd फेज को शुरू कर सकते हैं। लेकिन कियान जो माइली की बात नहीं मानता और उसे 3rd फेज शुरू करने के लिए कहता है। और इसके बाद सभी डॉक्टर्स शार्क के जीन में किसी जानवर का जेनेटिक ट्रांसफर करने के लिए रेडी हो जाते हैं और फिर पानी के जरिए एक मशीन भेजी जाती है और इस मशीन से शार्क के अंदर जीन को एक्टिवेट किया जाता है और वो शार्क अजीबोगरीब हरकतें करने लगती है। लेकिन सभी डॉक्टर्स डर जाते हैं कि उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा, लेकिन उसी वक्त उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है और सभी डॉक्टर्स बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और उस शार्क के अंदर बहुत सारे बदलाव होने लगते हैं और उसकी आंखें जो होती हैं वो लाल हो जाती हैं। और फिर माइली सेफ्टी ग्लास के पास खड़ी होती है और वहीं पर शार्क आने लगती है। माइली उस सेफ्टी ग्लास के पास देखती है तो उसे वहां शार्क नहीं दिखती। और फिर माइली के पास योयो आती है जो कियान की बेटी होती है और फिर कियान वहां आकर योयो को गार्डन में ले जाता है खिलाने के लिए। और फिर तभी एक डॉक्टर सिस्टम के पास आता है और वो देखता है कि इमरजेंसी अलर्ट ऑन हो चुका है और सभी सिस्टम हैंग हो चुके हैं। और फिर सभी डॉक्टर वहां पर आ जाते हैं और देखते हैं कि शार्क के अंदर का इंडिकेटर काम करना बंद कर देता है। और फिर तभी वो लोग डिवाइस की मदद से शार्क को बुलाकर उसके इंडिकेटर को ठीक करने के लिए पानी के पास सिग्नल देते हैं और वो शार्क वहां पर नहीं आती और सब समझते हैं कि वो शार्क मर चुकी है। और फिर तभी शार्क पानी में से निकलकर एक आदमी को खा जाती है और फिर वहीं पर कियान भी आ जाता है। और फिर तभी वहां पर शंघाई और पेंगवू भी आ जाते हैं और वो लोग उनकी डिवाइस में चेक करते हैं कि जो शार्क है वो नर से मादा हो गई है और इस बात का यकीन किसी को भी नहीं होता। और फिर शंघाई डॉक्टर से पूछता है कि तुमने शार्क के साथ क्या किया। और फिर तभी वो डॉक्टर कहता है कि ये बात कॉन्फिडेंशियल है, अब वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। और फिर तभी शार्क उस सेफ्टी ग्लास को तोड़ने लगती है और सभी डर जाते हैं। और फिर तभी शार्क उस सेफ्टी ग्लास को तोड़ती है और पूरी लैब में पानी भर जाता है और सभी लोग पानी में फंस जाते हैं। उसके बाद शंघाई सभी लोग को आवाज करने से मना करता है क्योंकि शार्क आवाज सुनकर उनका शिकार कर सकती है। और फिर तभी एक लेडी पानी में गिर जाती है, शार्क उसको खा जाती है। फिर उसके बाद एक आदमी टेबल पर चढ़ने की कोशिश करता है और फिर तभी शार्क उसे नीचे गिराने की कोशिश करती है। और फिर तभी ये मौका देखकर शंघाई एक बॉक्स के पास ट्रैंक्विलाइजर लेने जाता है। ट्रैंक्विलाइजर एक दवा है जिससे शार्क को बेहोश किया जा सकता है, लेकिन वो बॉक्स शंघाई से नहीं खुलता। और फिर शंघाई उस बॉक्स को खोल रहा होता है तभी शार्क उस पर हमला करने के लिए आती है। और फिर शंघाई को एक लोहे की चीज मिलती है और वो बॉक्स को तोड़कर उसमें से ट्रैंक्विलाइजर निकालता है और शार्क के हमले से बचता है। और फिर पेंगवू एक वायर की मदद से शंघाई को अपने पास खींचता है और फिर शंघाई शार्क पर ट्रैंक्विलाइजर से शूट करता है, लेकिन पहली बार में शार्क जो है वो बच जाती है और शार्क पेंगवू पर अटैक करने ही वाली होती है, लेकिन शंघाई उड़कर शार्क को ट्रैंक्विलाइजर लगा देता है और वो शार्क वहां पर बेहोश हो जाती है। और फिर सभी लोग वहां से शार्क के उठने से पहले भागने की कोशिश करते हैं। और फिर पानी में धीरे धीरे चलते हुए हम देखते हैं कि एक लड़की का हाथ कटा हुआ होता है और उसके हाथ से खून बह रहा होता है। और फिर सभी लोग दरवाजे के पास पहुंचने ही वाले होते हैं कि तभी वो शार्क उस लड़की के खून का एहसास लेकर वापस से उठ जाती है और वहां पर आकर उस लड़की को खा जाती है
ये देखकर सब बिल्कुल हैरान हो जाते हैं कि शार्क को एक घंटे बाद उठना चाहिए था, लेकिन ये इतनी जल्दी कैसे उठ गए। माइली बताती है कि इसके मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत तेज हो गए हैं और साधारण एनेस्थीसिया में इसका कुछ भी नहीं होगा। और फिर एक चश्मे वाले डॉक्टर को वेंट के जरिए बाहर आने का आइडिया आता है। और दूसरी ओर वो शार्क शंघाई पर बार बार अटैक करती रहती है और जैसे तैसे करके वो सभी सही सलामत वेंट से बाहर आ जाते हैं। और फिर तभी वो लोग एक दरार को देखते हैं और फिर उन्हें पता चलता है कि वो शार्क जमीन पर भी चल सकती है। और उसके बाद माइली को योयो के बारे में याद आता है। वो सोचती है कि वो गार्डन में खेल रही होगी और फिर योयो को उसके पीछे कुछ हरकत महसूस होती है और शार्क वहां पर आकर योयो के झूले को तोड़ देती है। और फिर योयो एक पाइप के अंदर चली जाती है और फिर शार्क भी उस पाइप को तोड़ते हुए उसके अंदर घुस जाती है। और फिर योयो वहां से भागने लगती है और फिर शार्क योयो पर हमला करने ही वाली होती है, तभी शंघाई वहां आकर उसे बचा लेता है। और फिर शंघाई योयो को वहां से लेकर भागता है और फिर सभी लोग उनका वेट कर रहे होते हैं और शंघाई वहां से भागता हुआ आता है और इसके पीछे पीछे शार्क भी होती है। और फिर सभी लोग वहां से भागने लगते हैं। वो शार्क जमीन के अंदर से भाग रही होती है और फिर वो सब भाग ही रहे होते हैं कि तभी एक शार्क डॉक्टर पर अटैक करके उसे पकड़ लेती है और उसे खींच कर ले जा रही होती है कि तभी दूसरा डॉक्टर अपने साथी को बचाने के लिए उसके पीछे जाता है और बाकी भी उसे बचाने के लिए उसके पीछे जाते हैं, लेकिन वो उसे बचाने में नाकाम हो जाते हैं। और फिर एक नदी के किनारे शंघाई सभी लोग को छुपा देता है और शार्क के सामने आ जाता है और शार्क उस पर अटैक करने ही वाली होती है, तो वो भागने लगता है और वो एक नदी में जंप कर देता है और शार्क भी उसके पीछे जंप करती है। और फिर हम देखते हैं कि शंघाई जो है वो नदी के ऊपर लटका हुआ होता है और शार्क उसे खाने की कोशिश करता है। तभी वहां पर पेंगू और माइली आकर उसे ऊपर खींच लेते हैं और फिर वो सभी एक जगह बैठे होते हैं और शंघाई उनसे पूछता है कि तुमने शार्क के साथ क्या किया है जो इस शार्क जमीन पर चलने लगी। और तभी माइली शंघाई को बताती है कि उन लोगों ने इसके जीन में कछुए का जीन मिलाया है जिससे ये शार्क जमीन पर चलने लगी है। और फिर तभी वहां पर एक जख्मी आदमी होता है और वहां पर वो चश्मे वाला डॉक्टर होता है। वो बताता है कि इस आदमी का ब्लड बह रहा है और शार्क इसका ब्लड सूंघते ही हम तक पहुंच जाएगी और हमें इसे यहीं पर छोड़कर चले जाना चाहिए। फिर तभी शंघाई और बाकी लोग इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं और फिर वो शार्क वहां पर आ जाती है और उस जख्मी आदमी पर अटैक करके उसे खा जाती है। और फिर सभी लोग भाग रहे होते हैं, बाकी सब तो आगे निकल जाते हैं, लेकिन वो चश्मे वाला डॉक्टर पीछे रह जाता है और शार्क उसका पीछा करती है। और फिर तभी वो डॉक्टर योयो को बुलाता है और योयो आकर उसकी मदद करके उसे उठाती है और फिर शार्क उसके करीब आने लगती है तो वो डॉक्टर योयो को उसके सामने फेंक देता है, मगर ये शार्क योयो के ऊपर से उछलकर उस डॉक्टर को खा जाती है। और तभी वो शार्क योयो को खाने वाली होती है कि तभी गाड़ियों में से कुछ आदमी गोली चलाते हुए आते हैं और शार्क पर हमला करते हैं और फिर वो शार्क वहां से भाग जाती है। और फिर हम कियान को देखते हैं और फिर कियान के आदमी चाल की मदद से शार्क को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाते। और फिर तभी शंघाई ग्रेनेड की मदद से शार्क पर अटैक करता है, मगर वो अपने निशाने से चूक जाता है। और दूसरी बार जब शंघाई ग्रेनेड चलाने वाला होता है तो कियान वहां पर आकर शंघाई को लात से मार देता है और कहता है कि हमें ये शार्क जिंदा चाहिए क्योंकि हमने इस पर बहुत पैसा लगाया है। और फिर कियान शंघाई से मदद मांगता है और कहता है कि तुम शार्क हिटिंग में एक्सपर्ट हो और शार्क को मेरे लिए पकड़ो, लेकिन शंघाई उसकी मदद करने से मना कर देता है और वहां से जाने लगता है। और फिर तभी कियान एक औरत को जान से मार देता है जो उनके साथ बची हुई होती है और गन माइली पर तान देता है और कहता है कि तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे तो मैं इसे भी जान से मार दूंगा। और फिर शंघाई को और गुस्सा आने लगता है, लेकिन पेंगवू उसे समझा देता है। और फिर वो लोग शार्क को पकड़ने के लिए समंदर में जाते हैं और देखते हैं कि समंदर में हर तरफ उन्हें खून ही खून नजर आता है और शार्क ने उनके सभी लोगों को मार दिया है। और फिर माइली डिवाइस में शार्क को ट्रैक कर रही होती है और मैप में दिखाती है कि शार्क जो है वो शहर के बहुत करीब पहुंचने वाली है। और फिर हमें मूवी के स्टार्ट का वही सीन दिखाया जाता है जिसमें शार्क उड़कर जमीन पर आ जाती है और फिर शार्क शहर के रोड पर आ जाती है और पूरे शहर में शार्क अफरा तफरी मचा देती है और शहर के सभी लोगों पर अटैक करने लगती है। और फिर तभी शार्क के सामने एक छोटी बच्ची आ जाती है और शार्क उस पर अटैक करने वाली होती है, लेकिन शार्क को कुछ होने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि माली ने सिग्नल वेव्स को एक्टिवेट कर दिया है जिससे शार्क उस बच्ची को छोड़कर उसके पास आ रही होती है। और हम देखते हैं कि पेंगवू एक मछली के ऊपर सॉस लगा रहा होता है और उसे समंदर में फेंक देता है। और फिर तभी अपनी डिवाइस पर माइली को शहर का वीडियो मिलता है जिसमें शार्क ने शहर में बर्बादी कर दी थी। और फिर माइली पेंगवू को उस मछली को बाहर निकालने के लिए बोलती है और फिर वो शार्क उनके बोट के नीचे आ जाती है
और उस मछली का हुक शार्क के मुंह में फंस जाता है और फिर कियान के सारे आदमी पानी में गिर जाते हैं और फिर माइली को चोट लगने से उस बोट पर ही बेहोश हो जाती है और फिर शार्क बोट को घसीटते हुए जमीन पर ले जाती है और फिर एक पेड़ से लड़के शंघाई बेहोश हो जाता है और शार्क माइली के साथ उस बोट को एक गुफा में ले जाती है और फिर माइली बेहोश होकर उठती है तो खुद को एक गुफा में पाती है और अपनी डिवाइस पर शार्क किधर है उसका सिग्नल चेक करती है और फिर तभी वो शार्क वहां पर आ जाती है और माइली पर हमला करने वाली होती है और तभी कियान के आदमी वहां आकर शार्क पर गोली चलाने लगते हैं और उसे हाई वोल्टेज का झटका देकर बेहोश कर देते हैं और फिर कियान वहां आ जाता है और बहुत खुश होता है और फिर इसके बाद शंघाई माइली को अपने साथ ले जा रहा होता है और फिर तभी कियान उन्हें रोकता है और उन दोनों को अपनी हकीकत के बारे में बताता है और कहता है कि मैं शार्क की मदद से एक बायो वेपन बनाना चाहता था न कि कोई कैंसर की दवा। और फिर वो दोनों ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और फिर कियान उन दोनों को गोली मारने ही वाला होता है लेकिन तभी बेहोशी से उठकर वो शार्क कियान को खा जाती है और फिर तभी उसी गुफा में वो सभी लोग बाहर निकलकर अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं और शार्क कियान के सभी लोग को मार रही होती है और फिर तभी एक आदमी के हाथ से स्मोकिंग ग्रेनेड गिर जाता है और हर तरफ स्मोक ही स्मोक होता है और फिर तभी एक एक करके शार्क कियान के सभी आदमियों को जान से मार देती है और फिर कियान का सबसे भरोसेमंद आदमी दो गन से हर तरफ गोली चला रहा होता है लेकिन उसे पता नहीं होता कि शार्क उसके पीछे है और फिर वो शार्क उस आदमी को भी खा जाती है और फिर लास्ट में सिर्फ माइली और शंघाई बचते हैं और फिर शंघाई एक प्लान बनाता है और कहता है कि एक ग्रेनेड से उस शार्क को मारा जा सकता है और शंघाई से उस डिवाइस को लेकर भागता है और फिर शार्क शंघाई का पीछा करने लगती है क्योंकि डिवाइस के सिग्नल से शार्क शंघाई का पीछा कर रही होती है और फिर शंघाई भागता रहता है और फिर शंघाई के हाथ से वो डिवाइस गिर जाता है और फिर शार्क शंघाई पर अटैक करने ही वाली होती है तभी माइली उस डिवाइस से सिग्नल वेव स्टार्ट कर देती है और फिर शार्क माइली की तरफ जा रही होती है और फिर ग्रेनेड से शंघाई शार्क पर अटैक करने ही वाली होती है लेकिन उसे शार्क का खुला हुआ मुंह नहीं दिखता और शार्क माइली की जगह उस मछली को खाने ही वाली होती है तभी शंघाई बहुत सारे ग्रेनेड शार्क के मुंह में मार देता है और फिर तभी शार्क के पेट में हमें आग दिखती है और वो शार्क वहीं ब्लास्ट हो जाती है और फिर इसके बाद माइली और पेंगू को शंघाई कहीं भी नहीं मिलता और वो दोनों बहुत रोने लगते हैं और फिर तभी माइली को शंघाई उसके पीछे जिंदा दिखता है। माइली भागते हुए शंघाई के पास जाती है, उसे गले से लगा लेती है और फिर हम गुफा में बेबी शार्क को देखते हैं जिसे लैंड शार्क ने जन्म दिया था और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्त इस मूवी की कहानी आपको कैसी लगी हमें कॉमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।